जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका मनी कुरैशी। तो आज मेरे प्यारे भाई, मैं आपको लेकर चलूँगा एक म्यूज़ियम जो कि इजिप्शियन म्यूज़ियम है, और एक है लिमिटेड, एक छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते हम उसको। तो वहाँ मैं देखे जाऊँगा, विजिट करवाऊँगा, और वहाँ पर मुख्तलिफ जो है मिस्र की हवा, मिस्र से जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पर मुंतकिल की गई हैं, और जो चंद एक आइटम, सारे तो नहीं क्योंकि डिफरेंट ममालिक में जाती हैं, वो अपनी म्यूज़ियम को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए उनके लिए होता है। तो ये जो है वो एक जॉर्जी कार्लोस के नाम से गालिबन शायद शख्स थे, तो उन्होंने 1992 के अंदर इसको वजूद में लेकर आए। फिर 1994 में प्रॉपर आगाज़ हुआ, ओपन कर दिया लोगों के विजिट करने के लिए। तो इसी तरीके से अभी हम जामिया लेकर जाऊंगा आपको, वहाँ विजिट करवाऊंगा, वहाँ देखिएगा क्या क्या आइटम्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे नवादरात हैं। तो मैक्सिमम कहते हैं कि 70 आइटम्स जो हैं वो ख़ास तौर पर स्पेशल जो है वो मिस्र से कंजर्न है, ताल्लुक़ रखते हैं। तो बाकी और दीगर भी चीज़ें होंगी, तो डेफिनेट तो हम वो भी देखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊँगा, वो आप देखिएगा, मैं भी देखूँगा, पता चलेगा भाई क्या चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा विजिट कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको शायद वीडियो भी पसंद भी आएगी, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन लाजमी आपने दबाना है, बेल आइकॉन का भी दबाना है, ताकि आपको जो भी नई आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक भी ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, और कमेंट्स में अपने राय का इजहार भी किया करें, ताकि हमें पता चले कि मज़ीद बेहतरी हम क्या लेके आ सकते हैं। तो फिर क्या ख्याल है, लेट्स गो। यार बॉयलर लगा हुआ है, अभी हम फ्रंट लुक में आपको दिखाता हूँ दूर से जाके थोड़ा सा आपको। ठीक है, ये साइड लुक दिखाइए और अभी आपको मैं फ्रंट लुक दिखाऊंगा। ये देखें जी, इसका डोर साइज है फ्रंट साइड। ठीक है, ये मोसेओ एफसी। ठीक है, बेसिकली ये खुद इन्होंने बनाया है, और इसकी लॉन्चिंग जो है वो अभी कुछ ऐसे ही पहले हुई है, और ये एक प्राइवेट हैं, उनका नाम है जनाब, ये इसके बारे में आपको बताता चाहूँ, ये जॉर्जी क्लासिको के नाम से एक शख्स से उन्होंने जो है वो 1992 के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी, ये बिल्डिंग है पूरी। और फिर 1994 में इसकी जो है प्रॉपर तरीके से इसे जो है इसको ओपन कर दिया गया, और यहाँ पर जो है तकरीबन 70 से ज़ायद साल पुराने, यानी 70 से ज़ायद जो है वो ऐसे चीज़ें हैं जो कि मिस्र के दौर के दौर हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अभी हम आपको जल्दी ले जाके इसके फ्रंट रेनोवेशन दिखाते हैं। तो ये बिल्डिंग है सिंपल। ठीक है, अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर भी जाएंगे। ठीक है, ये इसका गेट है, अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे। ये बेसिकली यहाँ होटल था, होटल के अंदर इन्होंने अपना जो है वो सेटल डाला है, सेटल डाल के उसको चेंज किया 1992 के अंदर, और कार्लोस के, जॉर्जी कार्लोस के नाम से है, और वो शख्स ने उसने जो है फिर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मकान लेकर आए और यहाँ सेटिंग की ऊपर, तो इसका लॉन्च किया 1994 में जो है इसको प्रॉपर ओपन कर दिया आवाम के लिए, ताकि यहाँ पर आके उसको देख सकें, यहाँ पर जो उनके नवादरात हैं पुराने कदीमी दौर के, और साथ ही कुछ मस्जिद नवादरात थे। ये अभी हम अंदर दाखिल हो, और ये कभी हम दरवाजे से इंट्रेंस के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने अपनी रेडियोशन लगाई हुई है अंदर नीचे काउंटर के ऊपर, बुक्स हैं उसी हवाले से इन्होंने बुक रखी हुई यहाँ पर, और उनकी हिस्ट्री के लिहाज से और ये सारी चीज़ें। यहाँ पर है मजा आ गया है, ये 10 साल से दाखिल हुआ, तो भी बस वो उससे रिलेटेड से आइटम रखे प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक दौर के वो रखे हुए हैं। ये जब यहाँ पर उसी तरीके के आइटम है जो बेचना चाहते हैं, जो आइटम ये रखे हैं इसी तरीके से, ये असल में इनकी हिस्ट्री निकाली थी यहाँ पर, और चेक किया कि यहाँ पर आप और चीजें हैं इनके, उन्होंने रखे हुए कॉलम्स हैं,
जो पसंद हो, मैं उनकी लिखाई हो स्ट्राइक जो है उनके निशान है इसी तरीके से यहाँ पर है। बेसिकली वहाँ के जो पत्थर वगैरह हैं अच्छा जी, मैंने इनको ये देखा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो वो बता रहे हैं कि उनकी वहाँ की राम की सभी जो है हकीकत का ये उनकी में पत्थर है फ्लोर का प्लांटिंग है फर्श का पत्थर है ये खास बकौल जिंदगी वहाँ के रेल चीजें हैं जो कि खास आइटम वहाँ के पत्थर दीवारों का हिस्से हैं पीसेज हैं फर्श के पीसेज हैं इस तरीके से ये है रोशनी मैंने इस तरीके से डाली हुई है थोड़ा सा सेलेक्टिव उठाए हैं कि वहाँ जो आमतौर पर अंगूठी भी तो उनके समझ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उसमें इस्तेमाल है जैसे इस्तेमाल नहीं है। अब ये पत्थर है उन्हीं के फेस बनाए हैं ये तरीके से ये देखिए जब अपनी क्या चीज़ आप ये देखते हैं ये भी वही उस दीवार में रहता है वहाँ की दीवार में अच्छा ये जमाने 1100 कबल मसीह और 1300 कबल मसीह का जो है ये पत्थर है सेलिब्रेटरी जो भी आइटम है क्या वो तो उनके जरिए इस्तेमाल हुई है इसमें पम वो पाइप करते हैं देखिए जो अभी जो पहले दिन आपको दिखाया तो यहाँ पर मजीद जो है इन्होंने कुछ चीज़ को वाजे करने के लिए एक पोस्टर बना के लगाए जिसमें हमें किसी को समझ भी ना आए तो थोड़ा सा इसको ये देखिए ये हमारा कम कर रही है ये तरीके से स्टैचू बना हुआ है फॉरेस्ट के नाम से फॉरेस्ट दोस्त के नाम से ये उसका स्टैचू बना हुआ है कि जो अभी टूटा हुआ है मेरा ये पेड़ का कहते हैं पत्थर हो गए पत्थर है ये लिखा करते थे ये लिखाई की पुराने दौर के बने लिखाई हुई है यहाँ पे ये इसी तरीके से ठीक है समय ये भी हुई है ये देखें जब क्या है अब इसके बारे में पढ़ के बताता हूँ मैं क्या चीज़ है ये तो जनाब इधर ये लिखा हुआ है कि पेद्रा कलकारिया के ये स्टैचू है पत्थर के बना है जो 1900 कबल मसीह के हैं 1991 कबल मसीह के हैं ये दोस्त से तो जब ये इनका कहने का मकसद है ये जिससे ये वो फिरौन दौर में लिखा जाता था ये उसका वो है ठीक है ये जिस तरह हम आज पेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की पेदरा पत्थर का और उसका जानवर के भी पर वगैरह से या इस तरह के जो भी आइटम उससे बनाते हैं या उस दौर का मुझे तो लकड़ी लग रही है बारह लकड़ी क्या चीज़ है लेकिन हम उससे ये लिखने वाले देखें जिस तरह इससे हाथ में पकड़ा हुआ है ये इसको डेफिनेशन करने के जिस तरह ये पकड़ा हुआ है इसने हाथ में हथ इसी तरीके से उन उस टाइम पर लिखने के लिए उन्होंने कहा कि वो ये चीज़ इस्तेमाल करते थे
ये चीज़ इस्तेमाल करते थे। चलो जब अब हम आपको जल्दी जल्दी दिखाएंगे पत्थर सारे, वैसे के सारे वहीं के अंदर रखे हैं, ठीक है। रामा मिश्र से रिलेटेड जो है उनके पास पत्थर हैं जिसमें मैंने बताया 70 से ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे फर्श का पत्थर है, दीवार का पत्थर है, कॉलम्स के पत्थर हैं। तो देखें जब जेवर की तरफ हमारे जो उनके बनाए हैं बकौल उनके, इसमें कितनी सच्चाई है इनके ऊपर एतबार भी नहीं कर सकते हम कि इसमें सच्चाई कितनी है। ये मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल है, ये वो जेवर है जो उनकी बीवियाँ या शहजादियाँ या उनकी मलकाएँ पहना करती थी। अब क्या थी इसमें उनकी ख़ास बात, अब ये जाने और रब जाने, तो ख़ास आइटम मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से ये है, अब ये क्या चीज़ है, अब ये देखें इसी तरीके से ये भी है, अब ये देखें ये फेस के ऊपर पहनने के लिए है, क्या देखें मोली वाइट है उनके पास, ये देखें जो जो उनके बेसिक मैंने ये देखा है कि जो उनके जेर इस्तेमाल, ये शायद उनका ताज था उसे किसी का, इसमें क्या ख़ास चीज़ है। जब जो है मलका बनती होगी या बादशाह बनता होगा, एक देखते हैं क्या लिखा। चले ये है, ये उनके हार हैं जो बादशाह वगैरह, ये मलका जो है आमतौर पर मलका ही पहना करती है, ये इसका जो फ्रंट साइड पे पहनने वाली चीज़ है, इसी तरीके से मलका का ही पहनने वाली चीज़ है, ये देखें तो ये सारी मलका की पहनने वाली चीज़ है। अच्छा ये इनके बर्तन हैं कि जो इस्तेमाल किया करते थे, दिफा और डिफेंस हर चीज़ ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, क्योंकि आज की पत्थर की बनी हुई चीज़ें हैं, जो भी इन्होंने आइटम बनाए पत्थर का ही बनाया जाता है। अच्छा जी इसके बारे में कह रहे हैं कि ये वेपन है जो इस्तेमाल करते थे वहाँ के किंग, जो है किंग ऑफ किंगडम बादशाह जो इस्तेमाल करता था, ये उसके लिए, ये उसके वेपन से। बकौल इनके अब ये देखें ये कह रहे हैं कि बेंच टाइप की चीज़ है, ये बेंच है इसको इस्तेमाल करते थे और इसमें ये मकसद है कि इसको पावर शो करना होता था बादशाह को, अपनी पावर शो करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इस तरह के बेंच के ऊपर बैठा करते थे। अब ये देखें अच्छा मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर ज़्यादातर जब उनको कल्चर अपना मेंशन करने के लिए जिस तरीके से ये है, ये अब उनके सैंडल बकौल इनके लिए इस्तेमाल, उनके जेर इस्तेमाल है इनके जेर इस्तेमाल है, जो इनकी चप्पल या पाँव टांग रखने की जगह, या अब यहाँ पे मम्मियाँ पड़ी हुई हैं इनकी, ये देखें अब ये मम्मी है, किसकी मम्मी है पता चल रहा है। ये कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि एवोरी डायनेस्टिया के नाम से जो है ये इसका कफन क्या कहते हैं इसको, ताबूत का ढक्कन है ये, ठीक है ये ताबूत का ढक्कन है, इसको मैं दिखा दूँ, ये लकड़ी का बना हुआ है, ये ताबूत का ढक्कन है, ये इस तरह ढक्कन है इनका, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये लकड़ी काफी गल चुकी है, ये भी ताबूत ही है, ये देखते हैं किसकी है। अच्छा पहले जो मैंने बताया था दामाद कैमत है जिसके, ये बता रहे हैं ये दामाद कैमत है, खातून ये उसकी मम्मी है, ठीक है। अब ये दूसरी है, ठीक है ये नीचे साक्स बना हुआ है, ये इसका मतलब एक्सरे वाला लेकर मैंने बनाया, आपको पड़ गए अंदाज़ा आपको करवा दें जिसमें कि जरूरत नहीं है भाई कितना मसा रहेगा, हालांकि जितने मसाले लगा दें हकीकत तो यही है ख़त्म होती है चीज़।
कितना महफूज कर सकते हैं, सवाए अल्लाह के कोई महफूज नहीं कर सकता, ये बात ऑथेंटिक है। अब ये देखें ये भी है इसी तरीके से जो है इन्होंने मुख्तलिफ जो है ताबूत इस तरह के बनाए हुए, वाला आदमी अब क्या छोटा क्यों है, हालांकि ये कह सकते हैं या तो बच्चे होंगे बच्चों का होगा, एक मिनट देखता हूँ क्या लिखा। ये है इसी तरीके से पायल का हिस्सा है, दीवार का हिस्सा। अच्छा ये देखिए ये है पिक्चर, ये पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये है मेरे ख्याल में इसके सामान सामान रखने का या इसके अंदर ये देख लो मैं इनकी चप्पल, ये लकड़ी की चप्पल बना है। लकड़ी किसी खातून की है, शहजादी की मम्मी है, लकड़ी की पीस है, इस समय मम्मी इस तरह की होती है देखें नजर आ रहा है, ये खाली लकड़ी नीचे शीशे के नीचे देखें सब नजर आ रहा है, इसमें से मम्मी जो है निकालती है। ये खाली जो है बेसिकली ना ये हम पहले देखते थे, मैं सोचता था शायद वाकई इसके अंदर कुछ चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर बॉडी वगैरह कुछ नहीं होती, ये वैसे बस ये नीचे खाली ताबूत है, उसमें से निकाल के बाकी जो उनकी बॉडी होती है उसका एक्सी महसूस करते हैं साइड में करते हैं, ये देखो सब की ऐसे होंगे। अच्छा मैं कह रहा हूँ सामने बंदा कौन खड़ा होगा, उसने की तस्वीर आती बीच में परेशान हो गया। ये देखें जी कैसे कैसे फ्रौनियत का दौर हम गिनते हैं, आप अंदाजा लगाएं कि कौन कितने पावरफुल होंगे, उनके कितनी तरक्की भी होगी डेफिनेटली, जब वो इतनी लकड़ी की चीज़ें बना रहे हैं मम्मियाँ महफूज कर रहे हैं तो ताकत भी अल्लाह ने दी होगी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि अल्लाह ताला के कानून के आगे किसी की भी इज्जत जाना हर एक है। तो हम यही सोच लें कि यार हमने भी जाना है, तो जब हम ये सोचेंगे तो हम हर बुराई करने से हर गुनाह करने से हम बच जाएंगे, कितनी ताकतवर और लेकिन अभी क्या क्या है अभी ये मकसद खाली बनता है, उसके अंदर से जो चीज़ें जो मटेरियल वो तो निकल गया, आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान के लिए इबरत भी होती है नसीहत भी होती है, तो हम उस चीज़ को इस बारे में सोचें गौर करें हम दुनियावी मामलात के हम क्या कुछ करते फिरते हैं और कितना हवा में उड़ते सकते हैं, लेकिन आज इसको देखें ये क्या है, हमारे से ज़्यादा ताकत होती है। अब ये देखें ना बॉडी है क्या बॉडी है, कितनी बॉडी है, कितने मसाले लगाए ये पूरी बॉडी है, औरत है किसी के बारे में औरत है, ये औरत की बॉडी है। अब देखने क्या होगा, अब ये देखें ये भी इसलिए खातून है, अभी देखिए खातून ने बताया कि नहीं है खातून, अभी खातून का नाम क्या था पढ़ लेता हूँ, ये हुई
सकते हैं इस ये भी रॉन्ग नहीं है लेकिन रॉन्ग कमोमिया दे हम नित्रा चुके फायों 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 खातों फायों नाम ये बता रहे हैं फायों फायों बेनेस के नाम से है खातों बाद ये चीज़ें हमारे भी दसियत है सब दुनिया वालों की दसियत है तो आज का हमारा इतना ही रहा है तो हाँ ये देखिए बैड ये चार पाँच इसको कहते नहीं और इसके बस क्या रखते हैं क्या रखते हैं तो जी दोस्तों फिर कैसा लगा आपको मेरा मूड आप जरूर बताइएगा और कमेंट लाइक कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा तो आज आपको तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसा टूरिस्ट वगैरह भी थे तो ये दिक्कत असल में वहाँ जो है वहाँ पर नहीं बेचता वो ये है कि बेसिकली जो है वो चंद एक आइटम मखसूस हुए हैं वो ताबूत वगैरह है एक बॉडी मैंने देखी थी शायद उसके अंदर वो एक बॉडी थी बाकी तो उसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर पत्थर के आइटम्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वहाँ से परमिशन की अलाउड की है क्योंकि मम्मी आमतौर पर देते नहीं है ठीक है ना उसके बाद तो हर किसी को अपनी अपनी करतारे करी होती है और तो मिसल है मिसल तो हर किसी को मम्मी अंदर नहीं दे सकता लेकिन क्या होता है कि बाहर जब जश्न पैदा हो जाए तो वो दे देते हैं लेकिन वहाँ पर हमने जो चीज़ें देखी वहाँ के बहुत सी ऐसी आइटम थे कि जिसमें एक तकनीकी शाखा उसका तकनीकी शाखा से मतलब कि वो एक चीज़ उन्होंने एक डायग्राम की और ताकि उससे ये इजहार कर रहे थे कि वो इस तरीके से उनकी लाइफ बाकी जो उनकी जो साबुन कर रहे हैं साबुन कर रही है उनसे भी बाकी हैं जैसे उनसे जो उनके स्टाफ के या शहजादी के मलका के और इस तरह मकसद क्योंकि फ्रॉन को एक तो था नहीं काफ़ी थे उनके ग्रुप थे उनके महल के अंदर बहुत से अफराद थे तो बेसिकली वो इसी चीज़ की अक्कासी की गई है तो हम मैंने आज आपको विज़िट करवाया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये शॉर्ट वीज़र है इस तरीके से और भी होंगे खाने के हवाले से फूड्स के हवाले से भी इंशाल्लाह बनाते रहेंगे आपके लिए और मुख्तलिफ जो है तारीखी मकामात के भी बनाते रहेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी दुआ में याद रखिएगा एक मरतबा फिर आपसे कह रहे हैं सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा आपके दुआओं के तलबगार हैं दुआओं में याद रखिएगा बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।